खजाना खाली मगर ऑरेंज लाइन समेत कोई मंसूबा रोल बैक नहीं होगा। भिक्की समेत बिजली के तमाम मंसूबे सफेद हाथी करार। चार साल तक कोई नया मंसूबा शुरू ना कर रहे हैं तो भी जारी मंसूबों की तकमील मुश्किल है। अब्दुल अलीम खान बोले, साफ पानी मंसूबे में मजीद होशरुबा हकायक सामने आएंगे। सिफारिशी और मेरिट के बरक्स SHOs की छुट्टी, सिर्फ इंस्पेक्टर्स को ही बतौर SHO तायुनात करने का फैसला। जाब्ता इखलाक तैयार, तायुनाती के लिए 12 रुकनी बोर्ड की तश्कील। जराइम पेशा और सियासी वाबस्तगी रखने वालों को थाने की कुर्सी नहीं मिलेगी। शहरियों से बदतमीजी करने वाला पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त होगा। पुलिस कल्चर की तब्दीली की जाने बाहम कदम। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। साबिक हुकूमत के बजट के अददी हेर फेर का भांडा फूट गया। शहबाज हुकूमत ने ज्यादा बजट मुख्तस करने और कम खर्च करने की पॉलिसी अपनाए रखी। 5 साल में 22 खरब 20 अरब का तरक्याती बजट, खर्च सिर्फ 15 खरब हुए। गुज़श्ता माली साल में 1 खरब 83 हज़ार रुपये खर्च ना किए गए। लाहौर न्यूज़ ने महकमे खजाना से आदाद शुमार हासिल कर लिए। साफ पानी का ज़िया रोकने का मामला, रियासत कमज़ोर नहीं जो चाहे कर सकती है। हमें ये ताल्लुक कि नहीं किसी की हुकूमत है, पानी को महफूज करना है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। MD वासा की पानी 3.5 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पानी को महफूज किए बगैर नए पेट्रोल पंप्स के NOC जारी करने पर पाबंदी। नए घरों में वॉशरूम और किचन के वाटर पार्क अलग अलग लगाने का हुक्म। छप्पन कंपनीज ने अफसरान की जायद तनख्वाहों का मामला, अफसरान ने 313 मिलियन रुपए वापस कर दिए। 9 अफसरान के जिम्मे 118 मिलियन बाजो बुलादा। DG NAB ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत की DG NAB की रिपोर्ट पर अफसरान को जवाब देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का शेख जैद अस्पताल का दौरा। एक बेड पर 2 मरीज होने पर डायरेक्टर इमरजेंसी की सरजनिश। जिगर ट्रांसप्लांट करने की बजाय हमें मरीज ले जाने का कह दिया, शहरी की शिकायत। चीफ जस्टिस का नोटिस, MS को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हमीद लतीफ अस्पताल का भी दौरा। फार्मेसी में महंगी अद्वियात और अस्पताल के नाकिस इंतजाम पर बरहम। तालीम का बीड़ा गर्क कर दिया, लोगों ने फ्रॉड किया है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से मुतालिक आज खुद नोटिस दे लिया। खिलाफ कानून कैंपस खोलने पर यूनिवर्सिटियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, चीफ जस्टिस साकिब निसार। पंजाब यूनिवर्सिटी का डैम फंड के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए का दिया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अख्तर ने चेक चीफ जस्टिस को दिया। लाहौर जिमखाना की जानिब से भी डैम फंड के लिए 70 लाख रुपए का चेक। चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डैम फंड के लिए 20 लाख रुपए का दिया। हाई कोर्ट में ग्रेड 16 के मुलाजमीन की भर्ती, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार तहरीरी इम्तिहान लिया। पहले रोज 1710 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जस्टिस अनवारुल हक कहते हैं, भर्तियों में मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा।
الیکشن شہر کی 100 یونین کونسلز میں ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کی یونین کونسلز میں 25 کروڑ سے زائد کی ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈرز منسوخ لاہور پولیس کے ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات 10,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے معروف اداکارہ خوشبو اور ان کے شوہر ارباز خان کی کاوش سے نوجوان نے اسلام قبول کر لیا قاری رمضان نے 20 سالہ شعیب مسیح کو کلمہ پڑھایا اسلامی نام شعیب رکھا پنجاب گروپ آف کالجز انتظامیہ کا ایک اور احسن اقدام سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر قائم کر دیا صدر ویمن چیمبر آف کامرس فلاحت عمران نے افتتاح کیا سہولیات فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر اور ویمن چیمبر آف کامرس کی نو منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری عہدیداروں نے اپنے منصب کا حلف اٹھایا کاروباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا عزم